राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग्स में। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और नहा धो लिए हैं, पर कुछ काम नहीं हुआ है। नाश्ता नहीं बनाया है, हर्षित को सिर्फ पराठा और आम वाला जो चटनी होता है उसके साथ दे दिए थे, और घर और हम लोग भी वही खाएंगे, पर बनाए नहीं है। सिर्फ पराठा बना देंगे नमक वाला, और अचार या मीठा अचार जो भी चीज़ हो उसके साथ सब कोई खा लेगा, क्योंकि सब्जी भी नहीं है। और दोपहर में देखते हैं। और रात को हुआ है बारिश, तो हवा में है थोड़ा सा ठंडापन, अच्छा लग रहा है। वैसे अभी है धूप, पूरा तेज़ धूप है बाहर में, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अंदर में थोड़ा सा उमस जैसा लग रहा है। लाइट तो है, अंधेरा क्यों लग रहा है भाई। और अभी मन कर रहा है हमको चाय पीने का। सुबह सुबह वैसे चाय नहीं पीते हैं, पर अभी मन कर रहा है। अमित बाबू गुस्सा में है आज, थोड़ा इनको थोड़ा लेट हो गया है सो के उठने में, तो खोए खोए से हैं। और इतना खोए हैं कि आप सभी को पूजा का कर रहा है तैयारी, करेगा पूजा, और इसके बाद हम सभी लोग करेंगे नाश्ता। और यहाँ पे हमारा बन रहा है चाय। और दो दिन से ये सारा कुछ सफाई में लगे हुए हैं, ये दोनों तरफ पूरा साफ हो गया है, इधर साफ हो गया है, ये देखिए साफ हो गया है, ये साफ करना है। और आप सभी को गंदा दिखाते हैं, ये देखिए क्योंकि बगल में भी कंस्ट्रक्शन, क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक बोल रहे थे ना, क्योंकि बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो उसकी वजह से भी गंदा हुआ। और हमारे घर में भी चल रहा है जिसकी वजह से गंदा हो रहा है, तो बीच बीच में साफ हम लोग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और रोज़ रात को करते हैं। पता नहीं रात में वो आ जाता है, एनर्जी आ जाता है, तो रोज़ रात को करते हैं। तो बस एक सेक्शन रह गया है, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे आज, क्योंकि गर्मी अब ये गंदा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये देखिए एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब इसको धुलना है सब चीज को। चलिए ब्लॉग में बने रहिए, हम भी चाय पी लेते हैं, पतिदेव आ गए हैं। मौसम बादल कर रहा है, अभी जस्ट रोटी बना करके आया है, पूरे पसीना पसीना हो गए हैं और बादल घेर। और यहाँ पे चिड़िया थी आज, एक उड़ गई, मतलब वो उड़ने लायक हो गई थी। आप सभी को दिखाते हैं, इसमें तीन चिड़िया थी आज, एक सुबह से उड़ गई, मतलब वो उड़ने लायक हो गई थी। मतलब ये लोग के बच्चे कितने बड़े हो जाते हैं, तुरंत उड़ने लगते हैं। और बस हवा अच्छा चल रहा है बाहर में, अंदर थोड़ा सा उमस किए हुए है, और जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। अब रोटी बनाते बनाते हालत ख़राब हो जाता है पसीना की वजह से। हम तो रोटी बनाते रहते हैं और आके तौली में पसीना पोंछते रहते हैं, ऐसा सोचते रहते हैं। चलिए चलिए मस्ती करने। चले अमित भी आ रहा होगा, एक मिनट में पहुंच जाएगा, एक मिनट में भी नहीं ले, एक मिनट भी नहीं लगेगा, तुरंत आ जाएगा। खाली रूखा सूखा नाश्ता है, देखो खा के अचार पराठा काफी दिन के बाद, मतलब लग रहा है कि तुम छोटा था तब देते थे ना, अचार पराठा
अच्छा कुछ खाए यार हाल फिलहाल में ना, बैठा गजब कर रहे हैं बहुत आपने दिन से नहीं खाया। खाया ऐसा वही घर बैठा नहीं। हाँ वो बात अलग है, प्याज वाज का पराठा होता है सिंपल पराठा ऐसे नहीं खाता, प्याज ये वाला पराठा या कस्तूरी मेथी का वही खाना ही नहीं खाना। सिंपल पराठा काफी देर से रखा हूँ, सिंपल पराठा कच्चू था लेकिन हम सोचे कि दोपहर को बना देंगे दाल चावल का। चले नाश्ता खाना बना रहे हैं और यहाँ पे वाईफाई मेरा एक हफ्ता से खराब चल रहा है ना अमित, इसीलिए यहाँ वाईफाई का दुखी आ रहा। लगभग एक हफ्ता से वाईफाई खराब चल रहा था, आता जाता आता जाता, और कल से तो जो वाईफाई गया हुआ है आया ही नहीं है। हम लोग कॉल पे कॉल कर रहे हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और हर्षित को देखिए कहाँ सोया हुआ है, ये देखिए ये लड़का को मुंडी उधर घुसा लिया है और ऐसे सोया है कि आँख पे रोशनी नहीं पड़े। और इधर हमारा बन रहा है खाना, बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत बहुत बहुत। यहाँ ये कच्चू भून करके रखे हुए हैं और यहाँ हमारे बन रहे चावल, तो बस कच्चू का चावल कच्चू का सब्जी और चावल बनाएंगे फटाफट। अमित को आज जाना है जल्दी ट्यूशन, इसलिए जल्दी जल्दी खाना बना रहे, फिर भी आज लेट हो गया क्योंकि सो गए थे, कुछ प्रॉब्लम हो गया है मेरा आँख में। आप सभी को बैठ के बताएंगे क्या हुआ। राधे राधे जय श्री कृष्ण। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह नहीं है, कितना बज रहा होगा, 8 बज रहा होगा। और हर्षित स्कूल चला गया है, उसको चीला बना के दे दिए हैं चावल और लौकी का, उसको चीला बहुत पसंद है और वो खा के लंच लेकर के चला गया है। और ऐसे ही बाहर बैठे हैं, काफ़ी गर्मी लग रहा है, कुछ अब मन नहीं कर रहा करने को, कुछ भी मन नहीं कर रहा है, पूरा चिप 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 कर रहा है। और मौसम बाहर में थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा है, मौसम पूरा बादल किए हुए है। और आप सभी को एक चीज़ दिखलाते हैं, मेरे घर में एक सो प्लांट के नीचे चिड़िया घोंसला बनाई थी और उसमें 3 अंडे थे। और हर आप लोग रील्स देखे होंगे एक शॉर्ट्स में, अब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, एक परसों उड़ गई, एक कल उड़ी, एक आज उड़ी और एक को उड़ना सिखा रही है। और दोनों उड़ करके कहाँ बैठे, एक को तो कल पूरा खोज रही थी नहीं मिली थी, पर आज वो आ गई है और फिर दोनों साथ में बैठी है। और ये देखिए आज ये अकेली पड़ गई है, आज ये बिल्कुल अकेली पड़ गई है। और वो जो दोनों हैं, एक तो कल नहीं मिल रही थी पर आज पता नहीं कैसे आ गई, और उन दोनों को भी वो लोग उड़ना सिखा रही है। हम समझ ही नहीं पाए क्यों यहाँ पे है दो तीन चिड़िया क्यों हैं, तो देख रहे हैं नज़र देख रहे हैं, अरे दोनों यहीं बैठी हुई है, ये देखिए दोनों यहाँ पर बैठी है। और कब से हम ये लोग को देख रहे हैं यहाँ पे, ये लोग का शरारत देख रहे हैं, एक दूसरे को खुजली भी कर रहा है, पंख उठा करके अपने आप को नहीं है, वो उसको खुजला रहा है, वो उसको खुजला रहा है। और इसकी माँ आती है, कभी ये लोग को खाना देती है, कभी उसको खाना देती है, और उसको आ करके उड़ना सिखा रही है, ऐसे ऐसे उड़ो और यहाँ से निकलो, पर बेचारी नहीं निकल पा रही है। और ये लोग को भी देख के जाने का मन नहीं कर रहा, देखने का मन कर रहा। चलिए ये ब्लॉग कल से कंटिन्यू है और अभी कुछ मन नहीं कर रहा, अभी ब्रश वगैरह भी नहीं किए हैं तो जा रहे हैं ब्रश करेंगे और नहाएंगे, इसके बाद सबका नाश्ता होगा। नाश्ता में बस वही चीला आम का चटनी दे देंगे या फिर अचार, हो जाएगा सबका नाश्ता। और ये देखिए इसकी मम्मी आ गई है, सबसे ज़्यादा बच्चा लोग का केयर एक माँ ही करती है ना, इससे ये समझ आ रहा है। मतलब पर डे ला करके ये लोग को खिलाती थी, इतने छोटे छोटे थे, और ये लोग का घोंसला में गंदा भी नहीं रहता था, जब देखे एक अंडा से निकली दूसरा वो अंडा का जो छिलका होता है उसको साफ कर देती थी, फिर दूसरा दिन दूसरा निकलती थी उसका छिलका साफ कर देती थी, पूरा घोंसला साफ हर दिन
हम देखे या ना देखे, हर्षित हर दिन देखता था उस सबको कि कैसी दिख रही है, कितनी बड़ी हुई है। उसको उड़ा रही है, देखो लटक गई लटक गई, उसको उड़ा रही है, देखो पेड़ तक उतरी, जबा के बता रही है, उसको खिला रही है बता रही है। अब देखो घोंसला से निकल के बाहर बैठी, सब उड़ गया। हाँ दिखाते हैं कहाँ है। तीसरा दिन लग रहा निकला था, चौथा दिन और यहाँ पे अमित गया है नाली में चिड़िया को लाने के लिए। हुआ क्या कि वो उड़ना सीखी रही थी और हम लोग वहीं खड़े थे, तो हम लोग चिल्लाने लगे कि उड़ गई उड़ गई, और बस वो जाके नाले में गिर गई। और उसकी माँ सिखा रही थी कि उड़ो उड़ो, और ये नाली बहुत बड़ा है और बहुत मतलब बहुत ऊंचा भी है इसका बाउंड्री, तो जिसकी वजह से वो 6-7 घंटे नहीं उड़ पा रही थी। तो अमित जा कर के ले आया और इसको रख देगा। और जब अमित लाने गया तो बहुत सारी चिड़िया पूरा चहचहाने लगी, ऐसा लगा कि मारने के लिए आया है। और यहाँ पे अमित रख दिया तो ये थोड़ा देर में सही भी हो गई और उड़ करके अपना संगति में चली गई, जो इसके जो भी है भाई बहन जो भी हो तो साथ में चली गई थी। और यहाँ पे हमारी माता रानी रेडी हो रही हैं, और ये देखिए ऐसे कुछ बिखरे पड़े हैं। और ये देखिए हमारी ठकुरानी को, महारानी लागे ठकुराने लागे, मारो खारो खर। फोटो नहीं खींच रहे हैं, ये मतलब बस बोल ठीक है ना। हाँ ठीक है ठीक, डन डन। माय बेटा भैया हम लोग को छोड़ दिए गाइस, कंट्रोवर्सी हो गया गाइस, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, कंट्रोवर्सी हो जा रहा है गाइस, जोड़वा देंगे एक ठो और, लाइक कीजिए गाइस, हम लोग को भी लग रहा है एक ठो ज्यादा, सब्सक्राइब कीजिए, वो एकटा जुड़ जाएगा। आज लग रहा है कि मालिक छत पे आया है, इधर देख लीजिए मालिक हम मल के तुम। और ये सर आप लोग सुनो नौकर 101% हिस्सेदारी और हम -99% टोटल हो गया कितना, 2%, तो हम लोग के पास 2% है, 51% है और 49 हम -99 मैथ्स का डिक्शनरी में -99 भूखने लगा है भाई, ये देखिए मिट्टी सही से मतलब पका नहीं लग रहा है, सही से देखिए रख ले। क्या कर रहा तुम यहाँ पे, बर्तन धो के रखे हुए हैं। और ये हर्षित का बन रहा है, क्या बन रहा है हर्षित? टैकोस, टैकोस। हर्षित को अभी खाने का मन किया था, वैसे रात को खाना नहीं सबका होता है, तो हर्षित का मन किया खाने का, तो सुबह का रोटी था तो बना लिया टैकोस, टैकोस। और इसको ये बहुत पसंद है, और बासी रोटी रहता है तो हमको भी आराम रहता है, सुबह में तुरंत प्याज वगैरह सॉटे करके और टैकोस बना करके केचप और मेयोनीज डाल करके दे देते हैं। और यहाँ पे चल रहा है दीदी देख रहे हैं, आज कपड़ा पहने हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो जो है 2-3 दिन का मिला करके है, तो सोचिए चल इस वीडियो को एंड कर देते हैं क्योंकि एंड नहीं है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हाँ तो जो न्यू है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।